नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नए तरीके की सोयाबीन की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या बनाएं, तो बनाइए एक नए तरीके की सोयाबीन की सब्जी। तो चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी सोयाबीन। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी गर्म पानी। इसे 10 मिनट भिगा के रखूंगी। 10 मिनट हो चुका है, सोयाबीन हमारी भीग चुकी है। देखिए कैसे फूल गई है। अब इसे हम निचोड़ के एक बाउल में रख लेंगे। इस तरह से हम निचोड़ लेंगे। अब मैंने कढ़ाई गैस पे रख दिया है। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। अब कढ़ाई में डाल देंगे सोयाबीन को। सोयाबीन हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सोयाबीन हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम सोयाबीन को निकाल लेंगे एक बाउल में। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप फ्रेश दही। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब वापस से उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा और डालेंगे इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 बड़ी इलायची दरदरा कूट के और 1 तेज़पत्ता। अब इसे हम चटकने तक भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 प्याज बारीक कटा हुआ। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर का प्यूरी। मैंने 2 टमाटर पीस के इसका प्यूरी बना लिया था। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून किचन किंग मसाला, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब डालेंगे 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक इसमें हिसाब से डालेंगे क्योंकि मिक्स सोयाबीन में भी नमक डाला था। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसे हम भून लेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। इसमें हम डाल लेंगे जो मैंने मिक्स किया था सोयाबीन। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फटाफट चलाएंगे क्योंकि इसमें दही डाला है, नहीं तो हमारा मसाला फट सकता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, जितना ग्रेवी चाहिए आपको। आप सब्जी को हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया, हरा धनिया। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया। देखिए दोस्तों, कितनी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। दोस्तों, हमारी सोयाबीन की सब्जी तैयार है बनके। सोयाबीन की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी, पर एक बार मेरे तरीके से बना के खाइए। आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।